हेलो दोस्तों, नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लिटरेचर लवर्स यूट्यूब में। और दोस्तों, मैं हूं AKS राजवीर। उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल होंगे, अच्छे होंगे और दिवाली के सेलिब्रेशन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए जो खबर है, न्यूज है, जो तो सभी TGT चयनित अभ्यर्थियों के लिए है। जो भी TGT चयनित अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए बेसिकली माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की तरफ से एक समाचार है, न्यूज है। और ये न्यूज ये है कि सभी TGT अभ्यर्थी विद इन 1 मंथ यानी 1 महीने के भीतर कार्यभार ग्रहण करें। और बाय द वे, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है कि जो भी आवंटित विद्यालयों में जो अभ्यर्थी हैं, जिन भी अभ्यर्थियों को जो उनका विद्यालय मिला है, अगर वहाँ पर 1 महीने के भीतर ज्वाइन नहीं करते, तो इस स्थिति में विद्यालय का जो आवंटन है, जो भी आपको विद्यालय मिला है, तो वो निरस्त हो जाएगा। और इसके लिए दोस्तों देखिए, ऐसे में चयन बोर्ड से चयनित शिक्षक और शिक्षिकाएं 1 माह के भीतर सभी विद्यालयों में, जो भी उनसे संबंधित विद्यालय है, वहां पर जाएं और कार्यभार संभालें। साथ में दोस्तों, चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर जी ने यह भी कहा है कि TGT के चयनित अभ्यर्थियों की सूची विद्यालय एवं जिला आवंटन सहित संबंधित जिलों के DIOS को भेज दी गई है। ऐसे में अभ्यर्थी आवंटित विद्यालय के जिले के DIOS कार्यालय से संपर्क करके आवंटित विद्यालय में कार्यभार संभाल ले। चयन बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने यह भी बताया कि 2 दर्जन आवंटित विद्यालयों में जिला का नाम नहीं है, वह खामियां भी शीघ्र ही दूर कर ली जाएंगी। तो दोस्तों बिल्कुल ये काफ़ी अच्छी न्यूज है और चयनित अभ्यर्थी आवंटित विद्यालय में जाकर कार्यभार संभाल ले। उन्होंने ये भी कहा कि PGT के लिए के सभी रिजल्ट घोषित भी कर दिए गए हैं और जल्दी ही PGT के लिए भी कुछ समाचार आएंगे। तो दोस्तों बिल्कुल काफ़ी अच्छी न्यूज है। न्यूज इसलिए अच्छी है कि आपको जल्दी ही, मतलब आपको ज्वाइन कर लेना है। और जो लोग डिले करने के बारे में सोच रहे हों, तो वो मतलब अगर वो ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ज्वाइन करें। इसके बाद मुझे शायद उम्मीद है कि जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनके लिए, क्योंकि जो लोग नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को कॉलेज आवंटित किया जाएगा। तो दोस्तों बस इसी तरह समाचारों के लिए या फिर TGT, PGT, LT ग्रेड, UGC न्यूज जो भी आती हैं, और ऐसे समाचारों के लिए हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आप नए हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और जो भी संबंधित लोग हों तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।